YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले में रेला थाना क्षेत्र के डंडीला खुर्द में बीते नवंबर माह की 22 तारीख को बिरला फैक्ट्री कर्मी लालमणि शुक्ला हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में गढ़वा जिले के नावाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत अचला गांव निवासी पंकज चंद्रवंशी तथा जिले के रेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरमा कला गांव निवासी नीरज कुमार शर्मा और रूपेश कुमार के नाम शामिल हैं। पलामू एसपी इंद्रित माथा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि पैसे की लालच में ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। योजना गौशाला में बनाई गई थी और शराब पीने के बहाने ही लालमणि शुक्ल को भेलवा नदी के निकट बुलाया गया, जिसके बाद नीरज द्वारा ही ईंट से सिर पर वार कर लालमणि शुक्ल को बेहोश किया गया। फिर लालमणि शुक्ल की फुल पैंट से गला दबाकर वह ईंट से मार मार कर हत्या करने के उपरांत तीनों षड्यंत्रकारी 30,000 रुपए लूट ले गए तथा लूट के पैसे का समान बंटवारा भी कर लिया। श्री माता ने कहा कि कांड उद्भेदन में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी व कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। रेहला में 22 नवंबर को लालमणि शुक्ला के हत्या के मामले का रेहला पुलिस ने DYSP श्री सुरजीत कुमार के नेतृत्व में उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में तीन अभियुक्त जिसमें रुपेश कुमार, नीरज कुमार शर्मा और पंकज चंद्रवंशी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने 30,000 रुपये जो कि लालमणि शुक्ला के पास थे, शराब पीने के बहाने जो है उनको बुलाया, ईंट से मारा और ईंट से मारने के बाद उसी के फुल पैंट को निकाल के गला दबाया और इस घटना को अंजाम दिया। और इस तरह से घटना को अंजाम दिया ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है दूसरी दिशा में चला जाए, ताकि लोग इसको दूसरे तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत हो। तो कुल मिला के वो मोबाइल जो लूटा हुआ मोबाइल लालमणि शुक्ला का, वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो ईंटा को भी उन लोग के निशानदेही पर जब्त कर लिया है और जिस गौशाला में इस षड्यंत्र का बना था उनको मारने का और पैसा उनसे छीनने का, वहाँ के जो इन लोग का प्लानिंग था, वहाँ से जो है बियर का बोतल वगैरह भी बरामद किया गया। हाँ, इन लोगों के पास से कुल 950 रुपये बरामद हुए हैं। बाकी पैसा चूँकि 10,000 रुपया इन लोगों ने आपस में बंटवारा किया था 30,000 रुपया में से, तो वो पैसा तो इन लोगों ने खर्च कर दिया, लेकिन जो इन लोग के पास से कैश मिला है वो 950 रुपये।